उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन की बेहतरीन मिसाल यहाँ यमकेश्वर का जो बिजनी गांव है वो पेश कर रहा है, और जिसके मुखिया हैं कपरवाण जी, जो पहले दिल्ली में नौकरी करते थे और उन्होंने जब देखा कि गांव की जमीन बंजर पड़ी हुई है और आसपास के खेतों में बाहर से लोग आके यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उनके दिमाग में भी आया कि क्यों न वो वापस लौट आए और यहाँ पर स्वरोजगार अपनाकर स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह की खेत यहाँ पर रह गए थे, पीछे आप देख सकते हैं बंजर खेत छूट गए थे, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे वो रोजगार की तलाश में यहाँ से दिल्ली, NCR, मुंबई और जगह जगह देश के हिस्सों में चले गए थे। आप देख सकते हैं कि कपरवान जी ने नीचे वहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गाय भी वहाँ पे रखी हुई हैं, और यहाँ पे जो ये रिजॉर्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर इसे एक ऑर्गेनिक रिजॉर्ट की शक्ल देने की कोशिश की गई है। आप अगर मेरे बाईं तरफ देखें तो एक बेहतरीन स्विमिंग पूल यहाँ पे बना हुआ है और आपको हट्स और पूरी कैंपिंग सुविधाएं यहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी काम किया जा रहा है, जिसमें रिवर राफ्टिंग करवाते हैं कपरवान जी, इसके अलावा रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और तमाम एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं। मेरे साथ इस समय कपरवान जी मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो रिवर्स माइग्रेशन की एक मिसाल पेश कर रहे हैं वो, उसकी प्लानिंग किस तरह से हुई। कपरवान जी, जागो उत्तराखंड में आपका स्वागत है और बड़ी खुशी हो रही है देख के कि आपने एक मिसाल पेश की है उत्तराखंड के युवाओं के लिए कि वो भटके ना और वापस अपनी जमीन की तरफ आएं, और जरूरी नहीं कि खेती की जाए, हम टूरिज्म या अन्य कामों से भी रोजगार पैदा कर सकते हैं। हाँ जी सर, खेती से एक्चुअल में इतना आप रोजगार उत्पन्न नहीं कर सकते, और खेती सिर्फ आपका व्यक्तिगत एक परिवार के लिए काफ़ी है, मतलब काफ़ी इन दस आप मानसून के ऊपर डिपेंड रहता है हमारी खेती, तो उसमें होता नहीं, तो रोजगार उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि पुश्तैनी जमीन बहुत है हमारे पास, हमारे जो दादा लोगों ने हमें जो ये जमीन दी है गिफ्ट में, हम लोगों को इसको किस तरह सदुपयोग करना, उसमें हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करके इससे हम लोग अपना यहाँ पे रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। जिस तरह से आप दिल्ली में पहले जॉब कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या जॉब कर रहे थे, और अब जब यहाँ पे आप स्वयं भी रोजगार कर रहे हैं और प्लस गांव के लोगों के 15-20 लोगों को आपने रोजगार दिला दिया है, तो क्या कंपेयर करते हैं कि वहाँ ज़्यादा पैसा कमा रहे थे या ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं, या ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, किस तरह से मैनेज हो पा रही सारी चीज़ें? हाँ, दिल्ली के अंदर मैं एक प्राइवेट कंपनी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में एडमिन डिपार्टमेंट में जनरल मैनेजर था, और ऑफ कोर्स ज़्यादा पैसा मैं यहीं पे कमा रहा हूँ, और यहाँ पे एक और जो हमें तसल्ली या अपने शांति है कि हमारे अपने लोग सारे, हम पूरा परिवार यहाँ पे काम करते हैं, और हम लोग यहाँ पे और भी रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं। अभी मेरे पास 12 से 15 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट 50 लोगों का है कि हम लोग 50 लोगों के लिए यहाँ पे ये रोजगार उत्पन्न कर सकें। यहाँ पे आप तमाम किस्म के नए कंसेप्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे विलेज टूरिज्म की शक्ल से दे रहे हैं, गाय आपने पाली हुई है और नहीं खेती आप कर रहे हैं, और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए तमाम सुविधाएं आपने जुटाने का प्रयास किया है, तो क्या क्या खास अट्रैक्शन बनाए हुए हैं जिससे कि मैं देख रहा हूँ काफी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है दिल्ली, NCR और तमाम जगह से? हम लोगों ने अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट हमने ये रखा हुआ कि जो भी लोग हमारे पहाड़ों पे आएंगे, तो हमारा बेस जो थीम रहेगा वो शांति का रहेगा। शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने बनाया हुआ है। उसके बाद दूसरा, आजकल के खान पान का, जो कि जो भी हम लोग खान पान खा रहे सब केमिकल युक्त खान पान खा रहे, तो हमने कहा केमिकल से हट के ऑर्गेनिक फार्मिंग जिससे होता है, हम लोग वो चीज़ यहाँ पे अपने क्लाइंट जो भी यहाँ पे आते हैं हमें उनको वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने अपने गाय बांधी हुई है, हम लोकल यहीं का गाय का दूध उन्हें प्रोवाइड करते हैं, हम लोग यहाँ खुद की अपनी खेती करते हैं, जिसमें से जो हमारी जो फसल होती है हम उसी को अपने क्लाइंटों को यहाँ पे सर्व करने की कोशिश करते हैं, और यही हम लोगों का कॉन्सेप्ट यही है, हम शांति के लिए यहाँ पे आओ, स्वस्थ रहो यहाँ पे और इन्जॉय करो। ये है कि जो यहाँ पर हमें आके रिलैक्स फील हुआ है वो कहीं पर जाके रिलैक्स फील नहीं हुआ। वहाँ ऋषिकेश जो है वो एरिया वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वहाँ ये है कि थोड़े से पब्लिक ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है, जिस वजह से वहाँ इतना
वहाँ से यहाँ कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। यहाँ पे जैसे यहाँ आकर जो मन को शांति मिली है, दिमाग को रिलैक्स जो फील हुआ, वो कहीं पर फील नहीं होता। एक बार प्लीज़ यहाँ ज़रूर आएँ। और यहाँ ये है जो हरियाली ग्रीनरी यहाँ पर है, बेसिकली जो है एक गांव की तरह ये बसा हुआ एरिया, तो इस गांव में आके मन लगा है। लोगों का गांव में आके, शहर से गांव में आके मन नहीं लगता, लेकिन हमारा यहाँ पर आके मन लगा है, ये काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे। जो इन लोगों की स्पेस है, जिस तरह से उन्होंने यूटिलाइज किया है उसको, वो बहुत अच्छे से अरेंजमेंट की हुई है और बहुत सुंदर जगह है ये। बिल्कुल घर की तरह उन्होंने, जिस तरह खाना है और जिस तरह से अरेंजमेंट ही है, वो होमली फीलिंग देती है। खाना वगैरह हमारे बच्चों ने भी बहुत एंजॉय करा यहाँ पे, तो वो फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, और फैमिली एंटरटेनमेंट पूरी तरह से है यहाँ पे। तो यहाँ से निकलेंगे आपका रुड़की होते हुए मुजफ्फरनगर होते हुए। काफ़ी बड़ा आप देख ही रहे हैं कि ये सेटअप बना लिया है और करीबन 14-15 लोगों का यहाँ पर स्टाफ है, और जो भी स्टाफ है सारा लोकल है, सारे मेरे गांव के सारे हमारे अपने भाई लोग हैं, सब लोग मिलके ये काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हम पहले दिल्ली में मुंबई में जॉब कर रहे थे, आज उन लोग को वहाँ से छोड़ के और यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बल्कि मैं थोड़ा हम लोग का ये कि स्कूल की वजह से प्रॉब्लम है, तो लोग बच्चे ऋषिकेश में रखे हुए, मगर रोजगार के लिए आज हम लोग गांव में हैं। सर, आइडिया तो ये था कि एक जमीन थी, पुश्तैनी जमीन है, और इसका उस समय इतना नहीं लगता था कि भाई क्या था, लेकिन आज इसका पता लगता है कि इस पे मतलब एक कम से कम 12-13 लोगों को रोजगार मिल गया, और बड़े अच्छा रोजगार है। पहले दिल्ली में जॉब करते थे, वहाँ भी अच्छी खासी जॉब थी, मगर यहाँ पर स्टाफ की कमी की वजह से हम लोग जॉब छोड़ के फिर वहाँ वापस आ गए, और यहाँ पर अच्छा खासा चल रहा है, बढ़िया है। मालिक बहुत अच्छे आदमी थे, वही वही तरपन खोरिए देखन बोए वहाँ बोए। हाँ, खेत पारी को मित्र लगाने वही के 5 साल वही ये बताइए कोई जगड़ माँ लड़का वही तब तबीयत खराब हो जान तो तब 5 से 6 महीने ने बोए। रोजगार मिलने से तनख्वाह मिल रही थी मित्र बोए दिया ना बोए कबारे में कर्मचारी कोई 1.5 रुपया भी दिए जाने ना 4-3 हजार पन लगे चाहिए और अब 5 करे भाई। काम की राज माँ बो वही तेरा भगवान देख ल। हरिप्रसाद कपूरवाण जी मेरे साथ थे, जिन्होंने यहाँ यमकेश्वर के बिजनी गांव को एक बेहतरीन टूरिज्म विलेज के रूप में डेवलप कर दिया है। और मेरा निवेदन है तमाम उन पढ़े लिखे लोगों से जो उत्तराखंड से बाहर पलायन कर गए हैं और जिनके अंदर उत्तराखंड में कुछ करने का मन है, मादा है, वो लोग अपने गांव की ओर लौटें और अपने भाइयों को यहां पर रोजगार दें। जागो उत्तराखंड के लिए यमकेश्वर के बिजनी गांव से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।